आप सब वेलकम टू राधास कैलिनरी। आज हम बनाने जा रहे हैं जम्मू की स्पेशल अनारदाने की चटनी, जो आप स्नैक्स के साथ या सैंडविच के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए जो चीज चाहिए हम उनको चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर अनारदाना देखेंगे। ये जम्मू का स्पेशल अनारदाना है, इसको हमने ग्राइंड कर लिया है। देखने में ये ऐसा होता है और हमने इसको मिक्सर ग्राइंडर में करके इसका थोड़ा सा पाउडर बना लिया है। बाकी की चीज देखेंगे। यहाँ पर हमने पुदीना लिया है हैंडफुल, हरी धनिया की पत्ती है एक कप के करीब। यहाँ पर हमने एक बड़ी प्याज ली है, उसको रफली चॉप किया है। एक इंच का अदरक का टुकड़ा है, दो हरी मिर्चे हैं, 2 से 3 चम्मच हम यहाँ पर इसमें दही का यूज करेंगे। आप दही की जगह लेमन जूस भी यूज कर सकते हैं। नॉर्मल सॉल्ट है और काला नमक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने मिक्सी का जार लिया है, उसमें हम पुदीना के पत्ते ऐड कर देंगे। अब इसमें हम धनिया डाल देंगे। यहाँ पर इसमें हम 2 से 3 चम्मच अनारदाना डाल रहे हैं। प्याज डाल देंगे, अदरक डालेंगे, हरी मिर्ची ऐड करेंगे। यहाँ पर इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर रहे हैं, 2 से 3 चम्मच। इसमें हम दही डाल देंगे, आप चाहे तो इसमें लहसुन भी डाल सकते हैं। अब हम इसको पीस लेंगे। अब इसमें हम सॉल्ट ऐड कर रहे हैं, टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट डाल दें। यहाँ पर इसमें हम 2 अखरोट डाल रहे हैं। अखरोट को मैं तोड़ लिया है और उसकी गिरी को थोड़ा चॉप कर लिया है, वो डाल रहे हैं। देखिए यहाँ पर हमारी चटनी पीसकर तैयार है। अब हम इसको सर्व करते हैं। चटनी को हम सर्व कर देंगे। हमने इसको एक पुदीने के पत्ते से गार्निश कर लिया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी अनारदाने की चटनी बनकर तैयार है। आप भी ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा और अपने अनुभव मुझे कमेंट में शेयर करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए बनाते रहिए, खाते रहिए और खुश रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। हैप्पी कुकिंग।